से कहाँ हैं? ये रहे आपके पूरे 10 लाख डॉलर्स। कुछ बकाया नहीं? इसका भूत भी हमारे सामने सब उगल देगा। नाखून तो गए, उंगलियां भी जा सकती हैं। बहुत अड़ियल है तू, है सीधे सीधे नहीं मानेगा, नहीं बताएगा तू। हमसे गद्दारी की सोची कैसे तूने? बता, हमारा माल कहाँ छिपा के रखा है तूने? से मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, फैनी प्रेग्नेंट है। तुझे मदद चाहिए? रुक, अभी मदद करता हूँ तेरी मैं अच्छे से। ये तो अपने भाई की तरियल से लिए है कि तेरे को जिंदा रखा है, वरना तो तू कब गया होता। मैं तो तुझे समझदार समझता था चिरकट, लेकिन तू तो गद्दार निकला रे, भाई के पैसे मारेगा। बस हेलो, अच्छा ठीक है, हमारी एक कंसाइनमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे फौरन वियतनाम जाना होगा। तो अभी जो दूसरी पार्टी के साथ सौदा हुआ है उसे कैंसिल कर दे, माल तो संभालेगा, समझा? समझ गया। वैसे भाई हमने इसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है, लगता नहीं कि ये आगे से ऐसी हरकत करेगा। किया तो अबे गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। तो छा गया यार। आज अखबार में हमारी फोर्स की खूब तारीफ छपी है, इसके हकदार तो सिर्फ तुम हो। कोई नहीं, बैठ जाओ। देखो तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं हर तरफ, छा गए भाई तुम तो। देखो यहाँ तुम्हारी फोटो भी छपी है। लेफ्टिनेंट सर, मैंने अपना फर्ज निभाया है, पब्लिसिटी का शौक नहीं है। अरे वाह, तो फिर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया? गोलियां चलाना, गाड़ियां उड़ाना, अपने आप को कोई हीरो समझते हो क्या? गैर जिम्मेदारी की एक मिसाल हो तुम। पता है ऊपर जवाब देते देते मुंह थक गया है मेरा। क्यों करते हो ऐसा? सर माना कि मैं जो हमारे इस डिपार्टमेंट को तुम्हारे फिल्मी स्टंट्स की जरूरत नहीं है, कान खोल कर सुन लो। ओके, कहीं तुम्हें सस्पेंड न करना पड़े। जरा वो फाइल ले आना। ,你对人或动物冷酷或是不友善，有的时候有或是没有。 有。 当你沮丧的时候，你是不是曾经有过自杀的行为或类似的姿势，或者让自己暴露在危险的情况之下？我
我的工作就是把自己放在一个危险的地方，你说这样算吗？有这个情况就算。有。很好。你小时候被性侵过吗？什么？你说什么？为什么要讨论这个？你自己被性侵过吗？四分半，从你进来到现在才四分半的时间，你就跟我建立了完整的敌对关系。根据我的经验，只要在五分钟以内发生这种情况，就表示有严重的暴力倾向。吴警员，我必须要告诉你，如果你还想好好当警察的话，我希望你跟我合作，因为我们的对话会直接影响分局对你的决定。封锁现场。好，好的。生意吗？怎么突然想出来弄一笔？而且钱一定不是你的，哪来的？堂口的，堂主有事出去五天，正好趁这个机会我拿出去赚一笔，等他回来之前把钱塞回去，什么是鬼不缺呀、啊？你动用堂口的钱来做事，你知道不知道？出了事会没命的，要是被西堂那套疯狗知道。这个生意是我帮你介绍的，不但你完蛋，连我也跟着买单。在三年，他除了会长跟大爷，他没有把任何人放在眼里。元朗，我当然知道危险了，可我你应该是最了解的吧？杀人放火的事我根本就干不了，就催收保费，我也就是站在后边吓唬吓唬人，装装狠而已。我这算干什么呀？黑社会的上班族啊！阿信的事你知道吧？临死前看着我那眼神，我知道以后的结果比他好不到哪儿去，所以我想趁这个机会我就干这么一票。堂主出去五天，我连进带出三天就够，拼完这票我就不想干了。杨哥，这钱就在我手上，这样的机会对我来说不多。你有多少？100万，美金。致命死因是左太阳穴遭枪击，左下颈处还有钢笔刺入的伤口。有残留的墨水吗？有，我们已经采样化验。晚一点就会有准确的资料。魏炳取出的手机，根据他喉头与食道的肌肉看起来，应该是他生前自己吞下去的。手机确定是生前就吞下了？是。现在问题是，他为什么吞下手机？好，如果有新的资料，麻烦你传给我。我电脑编号是47968。好的。哦。哎，不好意思，请问你贵姓？我姓蓝。蓝监事官。麻烦你了，谢谢。听上去就好了。组长，关于昨天在停车场的案子，死者名叫刘富南，这是我整理出来的相关资料。我觉得这个案子非常可疑。刘富南在生前吞下了一只手机，而我在手机里找到了一个未完成的简讯，是有关于一笔交易的。另外，在刘富南的颈部发现有钢笔刺入的痕迹，
我们也找到一种进口墨水，是市面上很难找到的。等一下，我有两个为什么。第一个为什么我看到你的时候我就没有任何的食欲，第二个为什么麻烦总会如影随形跟着你，为什么？组长，根据刘富南被高敏刺入的时间跟角度，监视官已经确认是他死之前凶手对他的攻击行为，只要找到墨水我们就可以找到凶手。局长已经正式下令停止你任何的外籍，如果你在查案的话很可能会被送到纪律委员会，甚至被停职或者被起诉，你懂吗？明白吗？有没有人在家？क्या ऐसा होता है कि लोग अक्सर तुम्हें ताने मारते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस ऊंचाई को नहीं छू पाए जहां तुम्हें होना चाहिए? कोई बड़ा गेम खेलकर रातों रात आसमान छूना चाहते हो? अरे वाह, बिल्कुल सही बोला आपने। भाई, वो लोग इशारा कर रहे हैं। हाँ? इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? ये अपने मेजर का पैसा है, वापस कर दूंगा। तब तक कुछ कमा लो तो क्या बुरा है? मौत तुम्हारे सर पर मंडरा सकती है, एक गलती हुई नहीं के समझो तुम गए काम से। कोई नहीं रे। माल देखा? ये देखिए, हमारी ट्रैकिंग कोई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हम खतरे से बाहर हैं। क्या बात है भाई, आप तो कमाल के। अरे तेरे भाई की प्लानिंग इतनी जोरदार होती है, आर्मी भी ट्रैक नहीं कर सकती है उनको। सच बोला। मैं अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करता। हाँ, वो ही है जो भाई। आपने सुना सर, अभी अभी खबर मिली है कि लू की लाश पाई गई है। उसे देखकर लगता है कि उसे बहुत टॉर्चर करके मारा गया है। ओह, आपका सेल फोन बज रहा था तो मैं ले आई। मेरा फोन तो मेरे पास है। असल में सर, ये फोन आपके डेस्क पर था। माल लाया क्या? हाँ। आगे बढ़। जान ही निकाल दी थी तूने। दिस इज केविन, मिस्टर शू, वो आ रहा है। अकेला है। सिक्योरिटी तो नेताओं से भी ज्यादा टाइट है, हैं? ये देखिए, पूरे 50। आप चमक देख रहे हैं ना इनकी, एकदम जबरदस्त। हीरे बहुत कीमती हैं,
और तुम यूं ही ले आए, ये भी नहीं सोचा कि हम इसके पैसे ना दें तो? अरे ये तो सोचा ही नहीं। अरे मजाक कर रहा था भाई। पूरे 20 लाख। आपके साथ काम करके बड़ा मजा आया। Sean is down. Protect the boss. मैंने क्या किया? कहां से निकले? You go downstairs. Go. Oh, वैसे यहाँ पंगा क्या हुआ है? हुआ क्या है? बता दो।
अंदर। बैग कहाँ है मेरा? बैग कहाँ है मेरा? कौन सा बैग? मेरा बैग? कौन सा बैग? लगता है सब चौपट हो गया। ओए, चुपचाप बैठा रहा है। कंट्रोल रूम, ऑफिसर जियांग बोल रहा हूं मैं। मुझे बैकअप चाहिए। तू पुलिस वाला है? डिस्पैच यूनिट 21376 को फौरन भेजा जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं वारदात की जगह से बोल रहा हूं। यहां पे कई लोग मारे गए हैं, कुछ लोग जख्मी पड़े हुए हैं और एक चश्मदीद है जो शायद हमारा गवाह बन सकता है। यस सर। तबाही मचाने वाले घातक हथियारों से लैस हैं और हेलीकॉप्टर से साउथ वेस्ट की तरफ भागे हैं। यूनिट्स को अलर्ट कर दो। ओके। अब बता, तू यहाँ क्या कर रहा था? वो सिक्योरिटी में हूँ मैं, सिक्योरिटी में। अपनी ड्यूटी करने आया था बस। तो किसी बैग को लेकर परेशान क्यों है? कौन सा बैग यार? स्मगलर है तू? मैं तो बस ड्यूटी पर था, अचानक से एक बॉम्ब फटा और फिर याद नहीं। सच बता दे, सस्ते में छूट जाएगा तू। सर, रेडियो इंटरसेप्ट से पता चला है वहां पुलिस वाला और एक आदमी है। पुलिस के आने की उम्मीद तो थी, पर वो दूसरा वाला खतरा हो सकता है। वापस ले लो। हेलो, जियांग बोल रहा हूँ मैं। अरे सर, आप इतनी रात को कॉल किया आपने, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सर, लेकिन मुझे किसी भी पल तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए इस वक्त कॉल किया। साले मुझे मार के रहेंगे।
पुलिस की पूरी टीम आ चुकी है। अब आपके पास उसको उड़ाने का एक ही तरीका है। मैसेज भेजो कि वो आदमी बच निकला। वापस चलो। ज़िराफ़ो, उम्र 37 साल, सैनलियन गैंग का मेंबर। उस गैंग के लीडर सैनलियन का राइट हैंड माना जाता है। उसे 10 लाख डॉलर 5 दिन संभालने के लिए मिले और ये शाना उसे डबल करने के जुगाड़ में लग गया और उसी चक्कर में ये वहां आया था जहां पर फायरिंग हुई। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आयाश भी है साला। तो वो कार्ड यूज करेगा और हम ट्रैक कर लेंगे। ज़ुडाफ़ू कमीशन के चक्कर में हीरों का सौदा करने गया था। लालच बुरी बला है और इन सारे पैसों और हीरों को हथियाने के चक्कर में वो एक बहुत बड़े गेम में फंस गया है। तो हम लोग सैनलियन से बात करते हैं। लेकिन हम तो हीरे पाना चाहते हैं और सैनलियन को इसमें इन्वॉल्व किया तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। मेरे ख्याल से मुखबिर की मदद से ज़ुडाफ़ू को ढूंढना चाहिए। देखिए, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी आप लोग सोचिए। सच बता, कौन है तू और उस बैग में क्या था? वो तेरे खून के प्यासे क्यों है? मुझे क्या पता, मैं तो मामूली आदमी हूँ। लगता है उन्हें हेलीकॉप्टर से मुझे देखकर गलत फहमी हुई है। सारी यूनिट्स को अलर्ट किया जाता है। हमें शक है कि सानियान गैंग का मेंबर ज़ुडाफ़ू नाम का शख्स ही पोर्ट पर हुई फायरिंग का जिम्मेदार है। उसी ने हीरे हथियाने के लिए ये कत्लेआम करवाया। ये एक पेशेवर मुजरिम है और इस पर ड्रग्स का रैकेट चलाने और कई ओ, याद आया, वो मेरा जुड़वा भाई होगा। उसकी उम्र 37 साल और कद 5 फुट 5 इंच है। वो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिख रहा है ना? जुड़वा भाई ना? भाई भाई भाई, मारियो मत, मारियो मत, मारियो मत, बता दो। पहले हड्डी टूटी पड़ी यार, मत तोड़ यार। चलो अब जल्दी बता। वो मेरे पास 50 हीरे थे, मैं उन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहता था। मेरा सौदा पक्का हो गया था। मैं रुकड़ा लेकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उन कमीनों ने अचानक हम पर हमला कर दिया। हाथ तो छोड़ दे। उसके बाद तो तू ही आ गया था, तेरे को सब पता तो है। कहानी आई ऐसे कोई टूटे हुए हाथ को और तोड़ता है? मैं जो चाहे कर सकता हूँ। इंसानियत है कि नहीं? केस कर दूंगा तेरे ऊपर। केस कर बात नहीं चाहिए। देख भाई, मेरी बात सुन। क्या है ना, मुझे हर हाल में वो बैग ढूंढना है। मैंने 10 लाख डॉलर सैनलियन को लौटाने ही लौटाने। वो तेरी प्रॉब्लम। नहीं नहीं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग एक सौदा करते हैं। देखो तुम मुझे बैग ढूंढने दो, मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ। मेरे हीरो का खरीदार था तांग जिंग हैंग। देखो, इससे केस सॉल्व हो सकता है। देखो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा और मेरी भी जान बचाने का मुझे मौका मिल जाएगा। समझा करो यार। मुझे कोई सौदा नहीं करना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनो तो सही, तुमने देखा ना कि वो लोग कितने बेरहम हैं, खतरनाक हैं। मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े और मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें और क्लू नहीं मिलेंगे। बैग लौटाऊंगा तो जान बच जाएगी। देखो, मैं तो ईमानदारी से सौदा करने आया था और कॉल भी किया। Yeah.
सॉरी, तुम्हें फिर से डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर, बोलिए। क्या तुम सांग जिंग हिंग की सारी डिटेल्स निकाल सकती हो? कैसे मनाओ इसे? दाफू से ही वही खरीदने वाला है। और ये भी बताओ कि UH-1H हेलीकॉप्टर्स किसके पास होते हैं और अगर सरकारी हैं तो किन डिपार्टमेंट्स के पास हैं? ये कोई मामूली लोग नहीं है, जरूर ये कोई बड़ा गेम है। ये सारी डिटेल्स जल्दी देना। ठीक है सर। वेलकम सर, हाउ मे आई हेल्प यू? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। तांग जिंग हैंग नाम का कोई गैस यहाँ ठहरा हुआ है? सॉरी सर, ये हम आपको नहीं बता सकते। हमें तांग जिंग हैंग की तलाश है, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात समझता हूँ सर, लेकिन अपने गेस्ट की प्राइवेसी के लिए हमारे भी कुछ रूल्स और पॉलिसीज हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में और डिस्कस करना चाहिए। तांग जिंग हैंग की जान खतरे में है और तुम जिम्मेदार होगे अगर उन्हें कुछ भी हुआ। जस्ट ए मिनट सर, आपने मिस्टर तांग जिंग हैंग कहा ना? अपना हाथ दो। ओ, ओ, ओ क्या ही? हथकड़ी है। ये चोर है? रूम नंबर 1106 उन्हीं का है। एक्सक्यूज मी सर, वो पुलिस वाले हैं और इस वक्त आप इधर क्या है? I'm just going to my room, ठीक है? उन्हें अपना काम करना है और मुझे अपना। All right, I'm going to my room. Now piss off. Sir. अरे यार भड़क क्यों रहे हो? रूम में जा रहा है ना, जाओ जाओ, हम जा रहे हैं, जा रहे हम। हमें किसी की तलाश है, वो इंटरनेशनल डॉन है, तांग जिंग है। मुझे मारा ही जा रहा है। तुझे लड़ रहा तो लड़, गाय का भी मिलता नहीं। बोलो क्या बात है? होटल में तांग जिंग हैंग के कमरे के पास हाथापाई हो रही है, आप उसी की तलाश में हैं तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्या कहा, हाथापाई हो रही है? आप जरा सावधान रहिएगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। आपको नहीं कहा। Hey
हम उनसे तो पीछा छूटा। अबे क्या कर रहे हैं? हम कूदने वाले हैं। कूदेंगे तो मौत पक्की है। नहीं कूदे तो भी पक्की है। जैसा तो देखा जाओ। मुझे बचा लेना। पता है कि आज मैं सुबह से कितना भाग चुका हूँ और इस तरह से भागते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे मेरा बैग चाहिए। तुझे लगता है कि अगर मैं ना होता तो तू अब तक जिंदा होता? जान तो बचाई है तुमने, लेकिन मेरी धुलाई भी बहुत हुई है। उससे मैं काबू लगा कर कभी भी बात नहीं मानता है। झेंडू कहेगा क्या बोला? अरे यार देख तू फिर से गुस्सा हो गया यार, मजाक कर रहा था। अरे देख केस सॉल्व नहीं कर रहे क्या तेरे को? मेरी वजह से तुझे भी तो फायदा होने वाला है। अच्छा सुन, तांग जिंग हैंग और मेरे बीच सौदा कराने के लिए बीच में एक ब्रोकर था। हाँ तो मुझे लगता है कि अगर हम उससे मिलेंगे तो उससे जरूर पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। तो नहीं कहानियां मैं और हाथ ज्यादा चलाता है। देख उसने मुझे तांग जिंग हैंग से मिलवाया था और मैंने ये जो भी लोचा किया था वो अपने लिए नहीं बल्कि एक लड़की के लिए किया था। मुझे उस लड़की से मिलना है, उसके बाद हम ब्रोकर के पास चलेंगे और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं कहीं पर भी भाग कर नहीं जाऊंगा यार। देखा तुमने चाबी मिल गई? सुन तो big guy, he's not too happy with you. So let me get this straight. Our dealer has run off to God knows where. And the files you were supposed to get are nowhere to be seen. I don't think next time he'll be kidding around. Look, this was not my fault, all right? There weren't just SIS agents there. There were two cops. And that woman showed up too. He doesn't like excuses, you know that. Well, what now? What's next? Who knows?
you check something from school system for me? Sure. By the way, tell Jeremy, his power ascend is really cool. And how about my high pressure shocker? It's terrible. It almost kills me. Only idiots use it. All right, I'm on it. Okay, just check this thing out. 署长，人在哪？在里面。啊，你们是谁啊？谁找我？我是情报局特搜队的李志勇，他是我们队长。队长，在西港区十字号仓库发生一宗非法买卖，七个人死亡，一名生还者，是吴英雄通报的。 तुझे पांच मिनट का वक्त देता हूँ। ठीक है। कोई होशियारी नहीं चाहिए। होशियारी दिखा रहा होता तो तेरे साथ नहीं घूम रहा होता मैं, समझा क्या? हाय। क्या हाल है? हाय, हाउ आर यू? ओह, आज तो सेक्सी लग रही हो। आज बहुत देर से आए, बार अब बंद हो चुका है। तुमसे मिलने आया था मैं तो, फिर ये भी जिद करने लगा तो इसे भी ले आया अपने साथ। दोस्त है। मिलकर खुशी हुई। इससे मिलकर? हाँ, तू भी तो बोल कुछ। जी मुझे भी। मैं हूँ व्याप सिंह। तुम शर्म से गाल लाल हो गए लड़के के। ओह हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा हाथ जल गया है, तो मैं कुछ लाया हूँ। ये लो। थैंक्स अ लॉट। आयुर्वेदिक है। प्लीज बैठिए ना। वैसे ये पुलिस वाला है और मैं इसकी हिरासत में हूँ।我跟你说了，我可能最近要出去一趟，说不定以后也不一定见不见得到了。什么意思啊？我拿了帮会一笔钱，本来想买一批钻石挣一笔的，结果搞砸了，钱跟钻石都没了。哎。 不过倒是你送我这个马铃的，你看我一点事儿都没有。你到底在说什么？跟我开什么玩笑啊？没开玩笑，他是个条子，我被他抓了，进来打个招呼我就得跟他回去了。你到底想干什么？ 我本来想带你走的，我知道这都是我自己的想法，我们本身就不是一个世界的嘛。可是每次听你说，你想在海边有一个简单的木屋，旁边种满鲜花呀什么的，我就觉得好像你在那个画面里面蛮合适的，这不就想拼着一票。 谁知道结果？你疯了吗？你到底在想什么啊？堂主他不会放过你的。我知道。你以为你很懂我吗？你以为你真的知道我心里要的是什么吗？你喜欢我？ 我是别的男人的情妇，你闻到我身上的味道了吗？啊，都是钱的味道！你到底在想什么啊？喂。 你是吴英雄吗？你现在什么都不用讲，听我讲就好。
我是情报局特搜队欧队长。你知道你刚刚对着我们情报局的人员开枪拒捕吗？我知道你现在跟谁在一起。我也看过你的档案。警校模范生今年六月分发到南区，但是限制外勤中。吴英雄，我可以向你保证，只要你把徐达夫跟他手上的箱子交给我们，你就会没事。我相信你应该不会希望因为这件事而被开除起诉吧。我们已经追踪到了他的位置。吴英雄，看着徐达夫和他手上的箱子，我们马上就会到，听懂了吗？哦。马上派 SAD 过去。SAD？ 嗯。队长 ，SAD 的行动等同准军事层级，他们的作战目标不是逮捕，是消灭，从来不留活口。吴英雄好歹是个员警，现在的做法是不是？हाँ, क्या खबर है? अच्छी नहीं है, वो आप तक पहुंच गए हैं। उन्हें बस जू डाफू चाहिए जो आपके साथ है, वो पूरी तैयारी से हमला करेंगे। आप केयरफुल रहिए सर। बताओ कहां गए वो दोनों? पता होता तो भी ना बताते, बस इतना जान लूं वो यहां से चले गए हैं। अच्छा हुआ भीड़ो, हम लोग सही टाइम पर निकल गए वहां से। हाँ, लेकिन अब हमें काफी संभल कर रहना होगा। हेलो कंट्रोल रूम, वो यहां से निकल चुके हैं, अलर्ट रहना। अंदर कोई नहीं है सर, लगता है हमारे आने की खबर मिल गई थी। मैं SIS कैप्टन बोल रहा हूँ। जो भी बोलना बोलो, लेकिन मुझसे किसी वादे की उम्मीद मत करना। देखो, ये जो भी तबाही तुम मचा रहे हो ना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तुम्हें ड्यूटी से सस्पेंड किया था और तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है। मुझे हर हाल में जुटापू चाहिए, उसे हमारे हवाले कर दो। वक्त आने पर वो तुम्हें मिल जाए। सुनो, वो बैग और जुडाकू हमारे हवाले कर दो, तुम बच जाओगे। मुझे किसी बात का डर नहीं। देखो, तुम साथ दोगे तो तुम पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जियो, मेरी बात मानो। देखो, ये तुम पछताओगे। कब? देखो, मेरी बात समझो। मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी बात मान जाओ और जुदाफू को मेरे हवाले कर, नहीं तो उसके साथ साथ तुम भी मारे जाओ।再打，打不通啊，打都一样啊。好，不然我打。哦，我打。都没有通哎，打个什么手势？不要乱猜好不好？打个不会有事情啊。
本来想要去钓鱼的，没有想到有更好玩的事情发生了啊！总共还没睡呢。你们的达哥啊，他居然会背着老大偷偷在外面搞毒品啊！给你们分红不少啊。那是误会。他现在人在哪？我问你啊，如果说老大知道你们背着他跟徐达夫在一起赚外快，会先割你的脚趾头，还是他会先挖你？阿童，这是我的码头。同哥慢走，快把达夫找出来。徐达夫在哪里？你要加水还是加冰块？不用了，我上班不喝酒。你这个时间不喝酒，那你怎么不去早餐店买早餐？还是送你小孩去上学？还是应该去买早餐？不要给我耍嘴皮子，也不要以为你有三连会当靠山，我就会怕你。告诉我，徐达夫去哪里？不然你会后悔对我不客气。我们情报局有很多话和人说话，尤其是女生。拿条绳子来，把它绑起来。你们几个大男生欺负一个女生，把这个小女生赶出去。मुझे अनट्रेसेबल फोन चाहिए। हम ऐसा कोई फोन नहीं बनाते, गलत जगह आए हो तुम। मुझे यहाँ दादा ने भेजा है। पहले बोलने को था ना। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ पर हैं आप? एसआईएस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। आपको पता है ये लोग आपको क्रिमिनल डिक्लेयर करने वाले हैं। अच्छा, मुझे इसी की उम्मीद थी।
लेफ्टिनेंट के क्या हाल है? वो बहुत शर्मिंदा है, SIS ने उनकी इंसल्ट की। एक बार उनसे बात कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं वो भी आपके खिलाफ ना हो जाए। तो मैं इस सब में शामिल करने के लिए सॉरी। कोई नहीं, वैसे मुझे एक बंदा मिला है जो अकादमी में आपके साथ था, वो एक प्रोफेशनल हैकर है। हाँ, वो आपकी मदद के लिए मान गया है। अब मेरा ये फोन सिक्योर है, कॉल ट्रैक नहीं होगी। आपने मुझसे तांजिंग हांग की डिटेल्स मांगी थी, वो तो उसी रात शिप पर अपने साथियों के साथ फायरिंग में मारा गया था। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा। हे, ऐसे क्या देख रहे हो? डेट पे ले जाना है मुझे, तो मैं इस वीक बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। आ गया, कुछ पता चला कि नहीं? तांजिंग हैंग उसी रात फायरिंग में मारा गया था और तुझे पता था। क्या मारा गया? तू मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अरे यार तू ही बता, मुझे झूठ बोल के क्या मिलने वाला है? एक बार फिर सोच ले। यकीन कर यार। तुझ पे यकीन कैसे कर लूं मैं? वैसे ये जो हथकड़ी बांधी ना मेरे हाथ में, उसकी चाबी तेरे पास है। तेरे साथ जितना रहा उतना तो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही होगी। तू भरोसे लायक है? 100%। अच्छा, हाँ इतना भरोसा तो कर ही सकता है तू कि मेरे को हथकड़ी ना लगाए। देख अपना मकसद देखिए, और अपना तालमेल भी बैठ गया अच्छे से, तो आप कैसे अकड़ दिखा रहा है? माना कि तू पुलिस है और मैं चोर हूँ, लेकिन अब तो हम दोस्त बन गए ना यार। दोस्त किस लिहाज? तू तो बिल्कुल ही एड़ा है रे। ओए 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 ओए, अरे बोल तो सही यार। अरे ओए ओए ओए, बोल यार, बोल। अब क्या कर रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अबे झंडू तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ऐसा कोई गाड़ी चलाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अबे रुक जा रुक जा, हाथ दर्द कर रहा है यार।对不起啊，把你卷进来了，我不知道你会突然来找我。如果你之前不叫徐达发偷钱搞头部，那我不直接补进来。可是从某个角度看来，其实跟我有关。其实我们两个彼此之间没有说过什么，他也没有跟我表达过什么。昨天晚上是他第一次让我感觉到他是真的喜欢我的，这种感觉很奇妙，我居然感觉到很轻松，一点都不会害怕。我真的隐藏自己太久了，而且其实我还蛮开心的。开心？你确定不是因为一夜没睡然后太兴奋了，所以才把一切都想得太美好？我17岁那年我爸自杀以后，就没有什么美好的事情发生在我身上。我每天日子都过得好糟哦，糟到我几乎都快忘了原本自己是什么样子。意识到我遇到了打呼之后，我才知道我可以过得这么自在，甚至可以像个小女孩一样，没有任何顾忌。你知道吗？我送给堂口每一个兄弟一条护身符的手链，只有达夫他还一直戴着，而且还一直相信着他。那是因为他喜欢我。是啊，就是因为喜欢我，才会把我的每一件事情都放在心上。我觉得爱情它是全世界最恶心的东西啊。ध्यान से, क्या वहां कहीं सही जगह पर आए हैं? टेंशन मत ले, उस बूढ़े यूएन ने तो यहीं का पता दिया था। क्या कर रहा है? हे हे, अबे हर जगह
जगह अपनी बंदूक निकाल के घूमना जरूरी है क्या? अबे गन निकाली क्यों है तूने? दरवाजे का टूटा ताला नजर नहीं आया तुझे? हाँ हाँ ठीक है लेकिन हर बार खून खराबा ठीक नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, और कोई है भी तो बेकार के पंगे क्यों ले रहे? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मेरे पीछे पीछे आ जा। हिलना मत, सामने आओ। कौन हो तुम लोग? हमें जाबा से मिलना है। काम क्या है, अपनी पहचान बताओ। अरे हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं, वो मुझे नहीं जानता, बस उसे इतना बता दो कि बड़े काम का कस्टमर उससे मिलने आया हुआ है। ओह, तो तुम काम के कस्टमर हो? जाबा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे पहचानते नहीं? काम के कस्टमर? तुम तो घोंचू हो लेकिन ये टेढ़ा है। आकर क्या दिखा रहा है, आंख मिलाकर बात करना मुझसे? तो जरा ध्यान से सुन, उस रात वो जो 50 बेशकीमती हीरे तू बेचने की कोशिश कर रहा था $20,00,000 में, उसमें मेरी कमीशन थी 10%। ओ अच्छा, तुझे कमीशन कम लगा तो साले तूने ही मुझे उल्टा फंसा दिया। दांग को भी तूने ही मरवाया ना? धंधे में जबान की कीमत होती है तो मैं किसी को क्यों मरवाऊंगा? मेरी किसी डील में कभी गड़बड़ नहीं हुई, तुझे किसी ने फंसाया तो वो तेरा ही आदमी होगा। बात समझ में आई? मैं न्यूट्रल हूँ। सैनलियान भी यहाँ आया तो मुझसे कुछ उगलवा नहीं पाएगा, मेरे भी कुछ उसूल हैं। इसीलिए मैंने धंधे में इतनी इज्जत कमाई है, अब मुझे कुछ और नहीं कहना, दफा हो जाओ। खड़े क्यों? अब तुम गलत समझ रहे हो, जरा मेरी बात समझो। देखो अगर मुझे वो बैग नहीं मिला तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे उससे क्या लेना है, चल भट। देखो सब कुछ सच सच बता दो वरना हवालात की हवा खाओगे। तू तो पुलिस वाला है। गोली चला दे, गन हटा ले भाई, गन हटा ले, मान ले मेरी बात, चला गोली। देख मैं तुझे। गन हटाओ उसके सर से, गोली चली तो भेजा बाहर हो जाएगा। ओए तू तो वही है ना जो होटल से कूदी थी? मैंने तो तुम्हें अंदर रहने को कहा था, इनके सामने आने को नहीं। बताएगी कौन है तू और तांगजिंग इनके कमरे में क्या कर रही थी? ये तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, क्या लेना देना है तुम्हारा उससे? अरे देखो ये तो पुलिस वाला है, लेना देना तो मेरा उससे था। तो तुम पुलिस वाले हो? ए कब तक ऐसे बंदूक के ताने खड़े रहोगे, बात करो ना। तांगजिंग हैंग के उन हीरो में तेरी दिलचस्पी क्यों है? वो हथियारों का स्मगलर था। है? हथियारों का? हाँ वो हीरो का स्मगलर नहीं, हथियारों का था। ओ तेरी, अगर ऐसा है तो उसे मेरे हीरे क्यों चाहिए थे फिर? उसे हीरो में दिलचस्पी नहीं थी, उसे वो बैग चाहिए था जिसके लिए उसने मेरे जरिए तुम्हें बुलाया था। बात समझ में आई लल्लू? मुझे पता है उस बैग में क्या है। क्या है? एंटी मैटर बॉम्ब है। अब ये एंटी मैटर बॉम्ब क्या चीज है? ये बॉम्ब एंटी मैटर पार्टिकल से बनाया जाता है। असल में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो किसी भी मैटर या एंटी मैटर को लंबी दूरी तक ले जाकर धमाका कर सकता है। जब मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है जिससे प्रेशर बिल्डअप होता है, और उसके बाद होता है एक हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन। ये IED या RDX बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इसे पाना चाहते हैं। उन्होंने डॉक्टर पॉली का फॉर्मूला चुरा कर ये बनाया और उन्हें मार दिया। कोई इस कदर तबाही मचाना चाहता है, ये सोच अजीब सी है। उस बॉम्ब का डेटा आपके पास होगा, वो एक लौता क्लू है, पता लगाना होगा उस गैंग का जिसके पास बॉम्ब है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अंजाम के बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो।
原来我们在追查潘达瓦被偷的反物质炸弹，潘达瓦军权派好战分子已经进来，而且意图在海港城引爆，你却都不告诉我。你们奉命查案就好，知不知道又有什么差别？找到以后自然就会知道。队长，反物质炸弹比核子弹的威力大了100多倍，如果我们失败了，你知道那有多严重吗？你现在怀疑我的做法跟决定吗？现在如果不先通知各单位，让海港城做好准备，到时候连疏散的机会都没有。在我们还没有掌握到炸弹的位置跟引爆的时间之前，我们就去告诉所有人，媒体再宣扬一下，你猜猜看结果会怎么样？炸弹不用爆炸，整个海港城就先毁了吧。侯队长，这些听起来都像是你推卸责任的说法，真正的原因应该是你怕公开之后我们抓不到人的压力会让你很丢脸吧。दरवाजा बंद कर दो। ओए जबा, ये अंधेरा क्यों गया? कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। ओ यार, कहीं हम जाल में तो नहीं फंस गए? जबा! क्या इतने में? कभी कभी हो जाता है ऐसा। एक बात समझ लो, यहाँ के सिस्टम को मैंने बनाया है और ये पूरा सिस्टम एक सीक्रेट एल्गोरिदम से इंक्रिप्टेड है, इसलिए कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये क्वांटम इंक्रिप्शन से बना एक फुल प्रूफ सिस्टम है, तो इसे भेद नहीं पाओगे तुम। किसी चीज को छुआ तो नहीं? मैंने कुछ नहीं छुआ। तू ये सब कैसे जानता है? किसी ने इसे हैक किया है। कब किया होगा? डेटा के मुताबिक डील होने से पहले। मुझे तो लगता है ये काम उन्हीं कमीनों ने किया होगा। कौन कमीन है? अरे वही दो चार लोग, वैसे पक्का नहीं है। हम उनका लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। वही तो कर रहा हूँ। कंप्यूटर का पता चल गया, जबरदस्त फायरवॉल इंस्टॉल किया है। हाल ही में कोई फाइल एक्सेस की गई है? हाँ सर, इन फाइल्स को देखो, इन्हें हाल ही में एग्जीक्यूट और इनक्रिप्ट किया गया है। ये वो सारी फाइल्स हैं, इन्हें डाउनलोड करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। कोई आया है?
बुरी जगह ही उड़ा देते हैं। क्या भाई, ये जगह उड़ने वाली है। ये बम बूबी ट्रैप है, इसे डिफ्यूज करोगे तो ये फट जाएगा। क्या यानी कि हम लोग उड़ने वाले हैं? क्या हुआ? दरवाजे पर भी बम लगा दे। बच्चे नहीं चल रही है, तुम भी खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो, कोई तो तरीका होगा। बेटा इसका टाइम पूरा होने वाला है।队长，监控系统连上了，但你的 IP 位置目前正在美国 MIT 的校园网络上，我们沿这条线进去追踪到他们再回传回来会慢一点。队长，虽然你们情报局进驻南区分局，但是有些器材上的使用还是要经过流程申请，请签名。副队长，你钢笔在哪？你借我。中前的情况看起来他们带着一组原石吗？这稀奇古怪的东西不少啊。哼，你一个女孩子家身手还不错呢。这些都是我在 MIT 研究所同学的毕业作品。哦 ，MIT， MIT 跟这个 FBI 是密码解出来了吗？破解量子密码的困难之一就是我每次只可以截取一半的资料。我现在正打算把它发给我同学，看看可以帮得上忙吗？范宁。
你跟这整件事情到底有什么关联呢？我是傅雷教授唯一的法定继承人，他是我爸爸的学生。在我父亲去世之后，他就像我爸爸一样，他们俩一生都贡献在这个研究里。他们一直希望有一天能为人类找到新的能源，而不是武器。你知道？小林，我对不起老师，对不起你们。你一定要阻止他们，不能把我跟老师的梦想变成来杀人。湖州警方没有办法，只是因为这段影片就把它当作危机事件处理，所以他们一直都只是把它当作一个普通的盗窃失踪案。可我知道这个事情很严重，我一定要把爸爸和蒲叔叔的梦想拿回来，绝对不可以让他们的研究变成杀人的武器。小妹妹，我们这边不可以停车哦。我们老板在哪？你们是谁？我不喜欢跟小弟讲话。你们老板在哪？魏小姐，你们找谁啊？听说你知道许达福去哪了，是吗？最痛恨别人背叛我，而你居然敢跟一个拿我钱的小弟一起背叛我。既然你跟谁都可以，那今天晚上就让我身后这些哈你很久的小弟一个一个轮番品尝你。等你，阿通。堂主吗？会长还是什么？
喂。不是。नमस्कार। इस वक्त की सुर्खियों में सबसे बड़ी खबर ये है कि सदर्न प्रोविंस के एक इलाके में एक टेक्नोलॉजी सेंटर में बड़ा धमाका हुआ है। ये एक बूबी ट्रैप था। समझा जा रहा है कि एंटीमैटर बॉम्ब के डेटा को पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पूरे शहर में बौखलाहट है और सुरक्षा कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। लोग काफी दहशत में हैं और जांच करने वाली एजेंसी। ऐसे माहौल में सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या हमारी पुलिस और व्यवस्था चंद शैतानों के खिलाफ बिल्कुल लाचार है? गैर कानूनी हथियारों की दुनिया में ये एंटी मैटर बॉम्ब इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि कुछ गुटों के बीच की दुश्मनी अब चरम सीमा पर है। पुलिस फोर्स के हाथ कोई खास कामयाबी नहीं लगी है और हर बार वो मुजरिम उन्हें चकमा देकर बच निकलने में कामयाब रहे। फाइल क्रैक हो गई क्या? लगता तो है। मुझे लोकेशन का ब्लूप्रिंट चाहिए और कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो जगह टाइम्स प्लाजा है। मुझे सारी जानकारी चाहिए, कोई इवेंट हो, लेआउट हो या आर्किटेक्चर, ताकि हम समझ सकें कि वो बॉम्ब कहाँ प्लांट कर सकते हैं। बिल्डिंग की लोकेशन टाइम्स प्लाजा है, करेक्ट? लेकिन कोई वहाँ पर ब्लास्ट क्यों करवाना चाहेगा? एक मिनट, वहाँ पर एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है। वो ब्लूप्रिंट है जो आपने लाने को कहा था, मैंने चेक किया है। ये दो लेवल्स असल में अंडरग्राउंड पार्किंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो पब्लिक के लिए बंद हैं। मैंने मार्किंग कर दी है। फेस्टिवल शुरू होने में कितना टाइम है? अभी 3 घंटे हैं। फैनी, तुम कार लेकर जाओ और मेरा इंतजार करना, और तू मेरे साथ आएगा उस बैग को ढूंढने। उसके बाद तू आजाद है।
उन्हें रोकने के बाद मैं पीछे की तरफ से आऊंगा और रेडियो पर मेरा सिग्नल मिलते ही मुझे पिक कर लेना। ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। देख भाई, अपन तेरा पूरा पूरा साथ देगा, बेफिक्र रहना। मेरा फोन? हाँ, तू कार में छोड़ आया था तो मैं अपने साथ ले आया। कौन? लेफ्टिनेंट जियांग बोल रहा हूँ। तुम्हारा फोन? हाँ, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। देखो, मैं जानता हूँ आप मुझसे जलते हैं, लेकिन ये एक इमरजेंसी है। मुझे पता है कि एंटी मैटर बम कब ब्लास्ट होगा। ये काम आज ही होगा और वो भी टाइम प्लाजा के म्यूजिक फेस्टिवल में। मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आज ये पूरा शहर तबाह हो सकता है। मेरे लिए बस ऐश शाफ का ठिकाना पता कीजिए, क्योंकि बॉम्ब को वहीं से लॉन्च किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, एक दोस्त की तरह तुम मेरी एक सलाह मान लो, क्यों ना तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। फोन काट दिया। यार, एक बात बता कि क्या ये काम सिर्फ हम दोनों से हो जाएगा? पीछे हटो। जैसे इस लीवर को खींचेंगे ना तो पानी के फव्वारे आने लगेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और तूने टोक देना। मैं करता हूँ। मेजर, हम यहाँ पहुंच चुके हैं और फेज वन के लिए तैयार हैं। देख, ब्रीफकेस उस कमीने के पास है। मैं तुझे कवर फायर दूंगा। जाओ। बैग उनके पास है, लेकर जाने ना पाए। नीचे उतर कर तेरी फायरिंग हो रही है।
नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे।大哥，大哥，我们接完电话就赶过来了。大哥，我警告你啊，我超怕脏的，你要是敢带我去有老鼠蟑螂的地方，你就死定了。भाई, जैसे ही हमको आपकी खबर मिली हम आपको लेने आ गए। सैनलियन ने आपको यहाँ से एकदम सेफ जगह ले जाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आपको शिप से ले जाएंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का भाई। हाँ भाई, आप अपन के एकदम खासम खास हैं और अपन दोनों आपके चेले हैं। भाई जानते हैं हम बोट को अरेंज करने में कितना लोचा था, लेकिन भाई ने बोला करना है तो करना है। ओह, अरे भाई ये क्या है भाई, ये तो बाड़ू चीज लगती है। के सोची थी तने, इतनी आसानी तो भाग जाएगा। भागो भाई, जाओ 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 जाओ। तुम रोकोगे? Ah!
of Mass Destruction 的公文，他们要监管这个武器，局长已经签署同意了，明天一早送去纽约办移交手续。 喂，是部长。海岛网已经的生产量蛮严重的。是啊，可是我们还是必须要让整个情势看起来很危险，这样老百姓他们才会相信你的事情严重性而产生恐慌。那咱们的计划才能成功。咱不是说好只是放反物质炸弹走私进来做一个假攻击，为什么会弄出这么大的爆炸？ 还牺牲了我们派出去的特战队。我正在联系情报局的那个人，他跟我说了，他会再问清楚计划改变的原因，等我弄明白之后再向你报告。千万处理好，预算要送审了。是，我知道。 अंदर चलो कैप्टन के आने तक तुम यहीं इनके साथ बैठो अभी और मरेंगे अभी और कौन मरने वाला है और बताओ कि हमें कहां तक जाना होगा तूने मुझे यहां पहुंचाया और तेरी वजह से मेरे दो भाई मारे गए क्या जाओचिंग मेरी वजह से गिरफ्तार हुई हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो कभी सोचा अपनी करतूतों के बारे में बिल्कुल सोचा है मैं तो बस माल कमाकर भाइयों और जाओचिंग को अच्छी जिंदगी देना चाहता था फिर तो ये बता कि मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया है सोचा भी नहीं था कि अब उनके साथ ऐसा कुछ होगा मेरे को क्या पता था कि मेरे अपने हमेशा के लिए मेरे को छोड़ जाएंगे पर छोड़ गए ना मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो लेकिन जो जिम्मेदार है उसे रोकना जरूरी है जिन लोगों का तुमने साथ दिया आज वही तुम्हारे खून के प्यासे हैं वही वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया अब अपना बदला लो इंसाफ के लिए लड़ो ना इंसाफी का बोझ लेकर जीना क्या होता है मैं जानता हूं उनका खात्मा ही मेरा मकसद है यहीं रुकने को कहा था तो आते ही होंगे इंतजार करते हैं फिर एक सीक्रेट हो जाए देख जियांग मैं तुझे गिरफ्तार करने नहीं आया हूं मैं जानता हूं तू संकी है मगर तू ईमानदार है तेरा इरादे भी नेक है और डिपार्टमेंट को तेरी जरूरत है देख तू जो कर रहा है वो करता रहे पर हम मिलकर भी काम कर सकते हैं देख फिलहाल तू सस्पेंड है
और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी टीम में शामिल हो। मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद ये तेरी जिम्मेदारी है कि वो लोग फिर से यहां कोई तबाही वगैरह ना मचाए। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मेरी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, मैं उन सबका दोषी हूं। मेरी नजरों में तो दोषी नहीं है, पर नुकसान तो हुआ ना। देख जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोच। ये ले फोन रख ले, इससे बचा रहेगा, वरना तुझे ट्रैक करना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। और सुन, उस जोकर को समझा देना, बदला लेने के चक्कर में कुछ करना बैठे। ये स्पाई पैन है, ये बड़ी कमाल की चीज है, और जो तू कर रहा है उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मेरी तरफ से इसे तू रख ले, तेरे काम आएगा। फिलहाल मैं चलता हूं, जल्दी मुलाकात होगी। आपकी फ्लाइट की टिकट्स अरेंज कर दी गई हैं सर। फिलहाल मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, पहुंच के बात करते हैं, ठीक है? पता नहीं और किस किस के साथ लड़ना है। अब ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगा। क्या बोला तू? और ये लड़ाई सिर्फ तेरी कब से हो गई है? भूल गया तू कि मेरे दो भाई मारे गए हैं? साओ चिंग ने कुर्बानी दी, मैं बर्बाद हो गया, और तू अब मुझे ही अलग कर रहा है और बोल रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ तेरी है? तूने मुझे अलग करने का सोचा कैसे? तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरा क्या है, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। फर्ज के लिए जीता हूं और फर्ज के लिए मर जाऊंगा। तो मैं भी तेरे साथ ही मरूंगा। हम दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और उनको बर्बाद कर देंगे। और वैसे भी इतना आगे आने के बाद अब मैं पीछे कदम नहीं हटा सकता। मैं तेरे साथ रहूंगा ही रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मैं भी तो अकेला रह गया हूं, और जीऊंगा भी तो किसके लिए? तू ही बता ना। मेरा भाई बनेगा? आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। अब अकेले लड़ने की बात नहीं करूंगा, हम दोनों साई की तरह साथ रहेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरे भाई। ए, अभी क्या बोला तूने? तूने मुझे अपना भाई बोला? हाँ बोला मैंने। क्या ये सब सच है या धोखा? तू तो बदल गया रे, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो माफ किया मुझे। मैं नाराज होता हूँ तो जल्दी माफ नहीं करता हूँ। पूरे दो दिन लगते हैं, दो दिन साथ रहूंगा, फिर देखूंगा तू भाई बनने लायक है कि नहीं, उसके बाद सोच कर बताऊंगा। कैप्टन का मैसेज? उनकी जान खतरे में है। कैप्टन नाव का चैप्टर क्लोज कर दिया, हमेशा की नींद सुला दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? न्यूयॉर्क। पेपर चेक कराइए प्लीज। और आपका फ्लाइट नंबर क्या है? UA318। यहाँ साइन कर दीजिए।
एक्सक्यूज मी, बोलिए सर। मुझे न्यूयॉर्क के लिए 2 टिकट चाहिए। आई एम सॉरी सर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे तो जल्दी करो ना, हमें भी वही फ्लाइट पकड़नी है, इमरजेंसी में हमें न्यूयॉर्क जाना है। जस्ट अ मिनट सर। आई एम सॉरी सर, इकोनॉमी क्लास फुल है, बिजनेस क्लास चलेगा? हाँ हाँ चलेगा 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 चलेगा। तो फिर ठीक है सर, टिकट का फेयर 2 लाख रुपए होगा। 2 लाख? ये दोनों तरफ का है क्या? एक ही बार का बताया उसने। क्या करे, बटवा दे अपना। तूने मुझे समझ रखा है क्या? तूने ही कहा था ना कि तेरी भी लड़ाई है। मैंने लड़ाई वड़ाई की बात की थी, पैसे वैसे की नहीं। हाँ जल्दी निकाल। वेलकम सर, आपकी सीट इधर है, प्लीज बी सीटेड। चेक बॉडी गैस स्टीयरिंग, चेक। सीट बेल्ट लगा ले। एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी शैंपेन और ये रही आपकी वाइन। गर्मी नहीं लग रही? मुझे तो नहीं। तेरी पता है क्या, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी कि एक प्लेन 20,000 फुट की ऊंचाई पर अचानक फट गया, उसके चीथड़े उड़ गए थे। पहले उस प्लेन का मलबा नीचे गिरने लगा और फिर एक एक करके सारे पैसेंजर्स नीचे समुद्र में गिर गए थे। हवा में चलती हुई लाश ऐसे गिर रही थी जैसे कोई मिसाइल गिर रही हो। आवाज आ रही थी, तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रहा है? डर तो तुझे लग रहा है, मेरे चेहरे पर दिख रहा है, ये प्लेन रुकवा दूं क्या? सब ठीक हो जाएगा, रश होना। हेलो सर, क्या आपको कुछ चाहिए? बोले तो ब्लैंकेट बंक था एक। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। इधर इच बंक था। ओके, मैं अभी। ओह, अपन का ब्लैंकेट। नील कैप्टन, हिलना मत। हिला तो गया। अब तू संभाल, रडार बंद कर, मुझे प्लेन रडार से गायब चाहिए। अब प्लेन को साउथ की तरफ मोड़। मैं बस एक ही बार बोलूंगा। चल चल जल्दी चलना मामू, चला। तुम्हें जा, कुछ नहीं हुआ। तेरी दुनिया, उठ जा मामू, चल खड़ा हो जा। तेरे को ऑर्केस्ट्रा सुनाता मैं। सभी उठो और प्लेन के पिछले हिस्से में इकट्ठे हो जाओ, अभी। क्या? चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेन हाईजैक हो गया है, सब लोग अपना सीट से उठाकर प्लेन के पहुंचो। और अब उनकी बात कुछ टालना नहीं, अब फुल गारंटी से बोलते हैं बाबा, आपका जर्नी एकदम झक्कास होएगा, मस्त होएगा। आधे घंटे बाद 9,000 फीट की ऊंचाई पर रहना और उसके बाद 2,000 फीट पर। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? हम बातचीत कर सकते हैं। जो बोला है वो कर, ज्यादा ज्ञान मत बांट मुझे। सभी नीचे झुके रहो, हिलना मत। जो हिलेगा वो मरेगा।
बचना प्लानिंग। एक्सक्यूज मी, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? जो बोलेगा जहन्नुम जाएगा। कोर्स इज सेट, अब क्या करना है? बात मानने के लिए थैंक यू पायलट। It's done. नीचे जा रहा हूं, यहां तुम संभालना। वो क्लास, मुझे वो क्लास दो। कोई हिले तो ठोक देना। सब कुछ हमारे कंट्रोल में सिवाय उन दोनों के, तो बताओ कब ठोको उन्हें। अभी नहीं, बता देना कब। अब तुझे भी वॉशरूम जाना है क्या? अब रोका नहीं जा रहा है, सच कह रहा हूँ। मुझे चला रहा है तू? चलो तो साथ चलो, पैंट गीली हो जाएगी मेरी। वैसे अपन जो डाफू है, सैनलियन गैंग का मेंबर। इसे तुम संभालो, इसे बिना वजह डेटोनेट मत कर देना। टेंशन मत ले, अपुन इसको दिल से लगा के रखेगा। सिर्फ एक मामूली मिडिल मैन हो एजेंटली, हमने ये डेटोनेटर फ्लाइट में सही सलामत लाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, तो तुम्हें मारने में ही समझदारी है। अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये
बाबू, गहरा शूट बोले तो तैयार है। प्लान के मुताबिक बॉम्ब को लगा दो। ओए, मैं हूँ। सब ठीक है ना? हाँ। सही, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग कार्गो एरिया में। किसी को यहाँ की जिम्मेदारी दो, कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताना, ओके? अब तो मुझे कॉकपिट तक ले चलो। ओ, ये क्या किया? पायलट को ही ठोक डाला? ये अभी ऑटो पायलट पे है। तो ये ऑटो पायलट पर कब तक रहेगा? कोई और पायलट नहीं है क्या? पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। क्या आप में से कोई पायलट है यहाँ? प्लीज बताइए, डरिए नहीं। हेलो, कोई प्लेन उड़ा सकता है क्या? पायलट की जरूरत क्यों पड़ गई? एकदम शांत। ये प्लेन ऑटो पायलट पर है, इसलिए पायलट चाहिए हमें। क्या आप में से कोई प्लेन उड़ा सकता है? प्लीज बताइए, डरिए नहीं। अगर कोई उड़ा सकता है तो बता दो भाई, प्लीज प्लीज जल्दी बताइए। मैं उड़ा सकता हूँ। चलिए। तुम यहाँ संभालो, मैं जाबा को देखता हूँ। जाबा? हाँ, मैंने अभी उसे देखा। आप यहीं रुकिए। वो यहाँ क्या कर रहा है? प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया गया है, सारे कोऑर्डिनेट्स भी सेट किए गए हैं। ये मलाका की ओर जा रहा है। देखिए, मैं इतना समझता तो मैं ही पायलट होता, लेकिन आप बैठिए और इसे संभालिए। क्या कहा? मैं एक इंजीनियर हूँ, पायलट नहीं हूँ, प्लेन उड़ाना नहीं आता। ये क्या मजाक है साला? अभी मैंने बाहर पूछा था तो आपने कहा था हाँ। मतलब मैंने दूसरों को प्लेन उड़ाते देखा है। अरे अंकल, यहाँ सबकी लगी पड़ी और आपको मजाक सूझ रहा है? देखो, मैं समझाता हूँ। कॉकपिट का सिस्टम बदलने से पहले यहाँ तीन लोग होते थे और मैं यहाँ बैठता था। मैं पायलट बनना चाहता था। मैं जानता था कि प्लेन उड़ाते कैसे हैं, लेकिन इसका लाइसेंस नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ यहाँ पर बैठकर दूर से किसी को गाइड कर सकता हूँ कि प्लेन कैसे उड़ाते। यहाँ बैठकर है? हाँ। तो यहाँ कौन बैठेगा? मेरा मामा? हाँ? लेकिन कुछ बताओ तो। सबसे पहले ऑटो पायलट डिसएंगेज करेंगे। No!
उसे छूना मत, उसे अब तक एक्टिवेट नहीं किया गया है, वरना इस प्लेन की धज्जियां उड़ जाती। जाबा, तो तू है इस खेल के पीछे। मैं जाबा नहीं हूं, वो तो कब का मर चुका। उस दिन मैं उसकी लेबोरेटरी में गया था और उसी वक्त फैन याओ की बेटी वहां पहुंची थी। कुछ देर बाद तुम भी उस नमूने जू डाफू के साथ वहां पहुंचे। मैंने सोचा क्यों ना जाबा बनकर तुम सबकी सच्चाई जान लूं, और जरूरत पड़ी तो तुम्हें तो कभी भी मार सकता हूं। तो जाबा बनकर मैं तुम सबको उस इनक्रिप्टेड रूम में ले गया। सारा डेटा आसानी से मुझे मिल गया। मेरे आदमियों ने वहां फायरिंग की और बॉम्ब प्लांट किए और वो डेटा लेकर निकल गए। तुम्हें एयरडक्ट से जाने को कहा ताकि तुम्हारी मौत एक एक्सीडेंट लगे, पर तुम बच गए। तुम्हें इस घिनौने खेल की सजा जरूर मिलेगी। जानता हूं। मेडे मेडे मेडे, UA-318 हाईजैक हो गया, एयरक्राफ्ट डैमेज्ड है, हम बेस पर लौट रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्या? कहां लेके जाना चाहते हो इस प्लेन को? अगर मुझे पता चले कि जिसने मेरे आदमियों को मारा मेरे इरादों पर पानी फेरा हुआ ऐसा बेवकूफ है, तो शर्मिंदगी होगी मुझे। इस प्लेन को मैंने हाईजैक नहीं किया, बल्कि हार्बर सिटी के SIS ने किया। अब से ठीक 2 घंटे के बाद, जानते हो इस प्लेन के अंदर जो बॉम्ब प्लांट किया गया है, वो पंडावा के आसमान में फट जाएगा। बॉम्ब पंडावा और हार्बर सिटी के बीच जंग छिड़ जाएगी। हाँ, पंडावा और हार्बर सिटी के बीच जंग। तुम तो एक देशभक्त हो ना, तो फिर क्यों अपने देश को जंग की आग में झोंकना चाहते हो? मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल पंडावा की रक्षा के लिए एक आर्मी बनाने के लिए लगा दिए। मैंने सबको यकीन दिलाया कि पंडावा एक ताकतवर देश बन सकता है। जानते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मैंने पंडावा के सामने कई दुश्मन खड़े कर दिए हैं। पंडावा उनसे जंग के लिए तैयार है। जंग होगी तो अरबों डॉलर के हथियार बिकेंगे, मोटा मुनाफा होगा, इतना बड़ा मुनाफा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब तुम स्पार्क का हिस्सा हो। अब तक जो कुछ तुमने किया वो हराम की कमाई के लिए किया। मेरे नजरिए से ये खून पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत की। और तुम 2 कौड़ी की नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हो। अब बातें बहुत हो गई। मेरा
मेरा प्लान कामयाब रहा क्योंकि हार्बर सिटी पुलिस के कुछ लोग मेरे साथ मिले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं। वो सब मेरे मोहरे हैं। और हाँ, अपनी मौत से पहले एक राज की बात सुनते जाओ, एक ऐसा राज जो आज तक कोई नहीं जानता। एंटी मैटर बॉम्ब का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जो धमाका हुआ था वो गलती से हुआ था, जिसे हमने उससे होने वाले नुकसान के तौर पर पेश किया। मेरे बाद भी मेरा मिशन जारी रहेगा। मेरे मिशन को मेरे बाद मेरे जैसी सोच वाले लोग कामयाब बनाएंगे, और तुम जैसे लोग दो कौड़ी की नौकरी के लिए मेरे हाथों मारे जाएंगे। सब ठीक है? हाँ ठीक है। प्लेन तो संभल गया है, लेकिन एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसको ठीक किए बिना हम लैंड नहीं कर पाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रोलिक्स खराब है। वो क्या होता है? आगे वाले लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो जो ब्लास्ट हुआ था उससे शायद वो गियर अटक गया है। हमें उसे नीचे करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अंकल जी, हमारी वैसी ही लगी पड़ी है और आप हमें और डरा रहे हो। क्या और कोई चारा नहीं है? ग्राउंड कंट्रोल रूम UA-318 की इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश जारी है। UA-318 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? उनसे कांटेक्ट हो पाया है, हालात काबू में हैं और इस वक्त वो हार्बर की ओर बढ़ रहे हैं। हालात काबू में है? क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? खबर मिली है कि फ्लाइट में एक पुलिस ऑफिसर है जिसने उन हाईजैकर्स को काबू कर लिया है। पुलिस ऑफिसर? जी हाँ, वो सदर्न प्रोविंस से है। सदर्न प्रोविंस पुलिस के चीफ से मेरी बात कराओ। मैं जानता था वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। चैम्बर का हैच खोल दो। वहाँ पर तुम्हें एक स्विच दिखेगा, उसके बाद जो बटन है तुम्हें उसे ऑन करना होगा। उसके बाद ही बात बनेगी, वरना आज हम सबका खेल खत्म ही समझो। ठीक है। UA-318, मैं ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। आई रिपीट, दिस इज UA-318, मैं ऑल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉपर वर्क ना कर रही हो तब एक्सेल के हाइड्रोलिक को अनलॉक कर देना चाहिए। गियर को लो करने से पहले उसे अनलॉक नहीं किया तो हाइड्रोलिक काम नहीं करेगा और पूरे प्लेन का वजन नोज व्हील पर आ जाएगा, जिससे लैंडिंग होते हुए प्लेन के चीथड़े उड़ जाएंगे। अरे तो ये पहले क्यों बताया? बताओ क्या करना है? आई एम सॉरी, अब इस काम में इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना मैं। आप जिसकी बात कर रहे हो क्या वो डिवाइस नोज व्हील में है? हाँ, वहाँ पर एक कोल लीवर नजर आएगा तुम लोगों को। अबे क्या करेगा? उस बुड्ढे की बात मत सुनियो।
हाईजैक हुआ था। हम एयरपोर्ट के रास्ते से हट गए हैं। प्लेन भी काफी डैमेज हो गया है। अपने आप को जितना संभाल सकता है संभाल ले भाई, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। वक्त बहुत कम है, हमें लैंड करना होगा। अब लैंडिंग करना जरूरी है। मैंने कमाल कर दिया, मेरा पायलट बनने का सपना आज पूरा हो गया। प्लेन सेफली लैंड कर चुका है। आप सभी पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी धीरे धीरे प्लेन से उतरें। हम बच गए। तैरना आता तुझे? क्यों पूछ रहा है? पहली बार मैं तेरे लिए अपने फर्ज को भूल जाऊंगा। निराश तो नहीं करेगा ना मुझे? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। जा कूद। 1 2 दिल का अच्छा है तू? मैं तुमसे जल्दी ही मिलने वापस आऊंगा, इंतजार करना। अभी तो जा रहा हूं मैं। और हाँ, तू जाकर अपना फर्ज निभा। और अपुन चला मौज मस्ती करने, बहुत दिनों से की नहीं है ना। चलता हूँ।拼了命为每个执着信念，此刻转身间我们都懂，如果是不为爱，谁可以我这离开？